prison endured, along with other inmates, untold miseries and hardships. पर ये लड़ाई सिर्फ कुछ ही लोगों ने की थी, बाकी सब तो सत्ता के भूखे थे। सोने की लंका भी थी, लेकिन अगर बात किसी की स्वतंत्रता की हो तो रावण का राज हो या ब्रिटिश राज, दहन तो होके रहेगा। गंधे नाम से बुलाते थे, पास ही आम का एक बाग था। बच्चों का मन हुआ क्यों ना बाग में जाकर आम तोड़कर खाए जाएं। सब बच्चे राजी हो गए। बालक नन्हे भी उनके साथ आम के बगीचे में चला गया। माली की नजर बचाकर बच्चे पेड़ों पर चढ़ गए और आम तोड़ने लगे। नन्हे चुपचाप एक कोने में खड़ा रहा। उसकी समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। बालक के एक साथी ने उसे उकसाया। अरे बुत बना क्यों खड़ा है नन्हे, आजा दो चार आम तू भी तोड़ ले। इस तरह चोरी से पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ने में नन्हे की कोई रुचि नहीं थी। उसका मन इस काम के लिए तैयार नहीं था। इसी बीच एक गुलाब के पौधे पर खिले सुंदर फूल पर उसकी नजर पड़ी। हवा में धीरे धीरे हिलता गुलाब उसे जैसे खुद ही अपनी ओर बुलाने लगा। सुंदर गुलाब को देखकर नन्हे का जी ललचा गया और उसने फूल तोड़ लिया। नन्हे ने फूल तोड़ा ही था कि बगीचे का माली डंडा फटकारता हुआ वहां आ पहुंचा। भागो भागो कहते हुए बच्चे पेड़ों से उतर कर भाग खड़े, लेकिन नन्हे जहां का तहां खड़ा रहा। उसके हाथ में गुलाब का फूल देखकर माली ने उसे पकड़ लिया और चिल्लाते हुए बोला, चोरी करता है, बता कहां है तेरा घर, चल मैं तुझे तेरे पिता के पास लेकर चलता हूँ। नन्हे सहम गया, उसके मुंह से निकला, मेरे पिताजी नहीं है। बालक का भोला भाला रूप और सरल आंखें देखकर माली रुक गया। माली का गुस्सा पहले से कुछ कम हुआ। वह बोला, जिनके भरोसे आए थे वे तो तुम्हें छोड़कर भाग गए। सोचो जो संकट में अपने दोस्त को छोड़ जाएं, वे कैसे दोस्त होंगे। दोस्त ऐसे बनाओ जो साथ निभा सके। बेटा ऐसे काम मत करो जो तुम्हें गलत लगते हो। अच्छे बच्चे बनो, इस गुलाब की तरह ही अपने व्यवहार से सबको खुश रखो। नन्हे सिर झुकाकर माली की सब बातें सुनता रहा। उस पर इन बातों का गहरा प्रभाव पड़ा। उसने फिर कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे उसको सिर झुकाना पड़ता। हाँ, उसके कारण देश के लोगों का सिर अवश्य ही गर्व से ऊंचा हुआ। बगिया का ऐसा रखवाला बना कि उस पर उसने कभी कोई आंच ना आने दी। यह बालक और कोई नहीं, हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। इन्होंने ही देश को जय जवान जय किसान का नारा दिया। अगर कोई तलवार की नोक से या एटम बम के डर से हमारा देश झुकाना चाहे या दबाना चाहे तो हमारा देश नहीं दबेगा। एक सरकार होने के नाते हमारा जवाब क्या हो सकता है इसके सिवाय कि हम हथियार का जवाब हथियार से देंगे। मैं आप सबसे कहूँगा कि आज दो नारे लगाए जाएं। दो नारे अगर आप लगाते हैं तो वो असली नारा है हमारे देश की जरूरत के मुताबिक। एक तो जय जवान और दूसरा जय किसान, यह दो नारे मैं समझता हूँ कि हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी हैं। एक जय जवान और एक जय किसान के नारे से फिर पूरे देश का एक जय हिंद का नारा लगता है। तो यह तीन नारे मैं आपके सामने कहूँगा और मैं आशा करता हूँ कि आप दोहराएंगे। एक तो जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय किसान, जय किसान, जय किसान, जय हिंद, जय हिंद।
Since you want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go, Annie. Talking more fina, Annie. Talking more fina, Annie. Start my truck, it's all jumping. Here we go together. High school breeze, big pop trees. I tell you, life don't get better.